फतेहपुरी हम करने का जा रहे हैं, क्या मकसद है भाई? फतेहपुरी जाने का मकसद यही है कि 7 तारीख को गणपति बप्पा आ रहे हैं। हाँ। ये देखा इसके पापा, ये देखो जी इसके पापा। अभी और एक इतना हमारा महान चूतिया बंदा है, बंदे को फोन कर रहा हूँ, अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट है, चूते को फोन ही उठा रहा भाई। इतना बड़ा आदमी चूते बंदा देखा मैंने। एक अभी दुकान पे गए थे जिसके सबसे पहले गए थे उसी गांव की लड़की, मेरा अर्ज गवार दोस्त ऐसे से आया मार्केट देख सकते हैं, खचरा चप्पल है चप्पल। तो हां जी गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और अभी है हम घर पे, आज ब्लॉग स्टार्ट किया गाइस। तो हमें जाना आज फतेहपुरी मार्केट कपड़े लेने, और घर पे हो रहा व्हाइट वॉश। तो पीछे से आप कह रही होगी एक खसखस की घिसने की आवाज है, पीछे दीवार को घिस रहे हैं। तो अभी हम निकलेंगे फतेहपुरी, मैं और अर्ष जा रहे हैं फतेहपुरी, हमें लेके आने चुन्नी। तो आप इतने ब्लॉग में बने रहे, मैं तैयार हो गया तो फटाफट से और निकलते हैं फतेहपुरी की तरफ। तो अर्ष आ रहा है नीचे, उसकी स्कूटी बैठ के फटाफट से फतेहपुरी पहुंचते हैं, आपको दिखाते हैं। हम वो अर्ष कैसा आया खच्चरों की तरफ बन के, तो उसे दिखा दो तो चप्पल में जाकर जितने भी शर्ट लगा लेना। मेरे हिसाब से तो वो चप्पल पहन के आएगा या जूते तो पहन के नहीं आएगा। क्या बोल रहा है दोबारा बोल भाई, डिग्गी खोल के हेलमेट निकाल लो। जैसा अभी बोल रहा था वैसे बोल, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं, तो झुक के रहना पड़ेगा। अगर झुक के रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने झूठ पड़ेंगे मुंह पर अगर उसने मेरे सामने स्टार बनने की कोशिश करी तो। पतली गली से निकल 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 वो वाला वो बता डायलॉग बोल, क्या बोल रहा था डायलॉग? यार खोल ले जल्दी, गान फट गए घर में सोते रहेंगे। तो भाई जैसे ये पागल चौधा है, डिक्की नहीं खुली तेरी, पहन के डिक्की नहीं खुली, इसकी डिक्की नहीं खुली भाई। हेलमेट भी पहन के कौन सा लाया देखो, बस बड़े तो ले लेता पहन के लगनी सही, मैं लगनी लगाऊंगा देख, चलान कटवाऊंगा तेरा बहन के, मैं लगाऊंगा नहीं गाइस, आज ये हेलमेट लगेगा नहीं, आज इसका 2000 रुपये चलान कटेगा। हो जाने दो भाई, इससे ही लूंगा। चलो तेरी औकात नहीं है, तू भी हो जाएगी स्कूटी, बच्चे कुछ बज रही है। यहाँ से निकलते गाइस और हम जा रहे हैं अभी फतेहपुर का काम सौंपा गया आठ तारीख को, जो सुबह इनसे हुआ नहीं तो मेरे को लेके जा रहे हैं अभी, इनके बदौलत चल रही है सुबह जो आप सामान लेके नहीं आ पाए हमारा। सुबह धूप हो रही थी और मम्मी साथ में थी, और जाम भी बहुत था भाई। भाई मैंने सोचा भाई पहले घर ही चल लेते हैं, ठीक है। तो इसका मकसद था कि सौरभ को ले जाना, सौरभ इसका पापा, सौरभ सब चीज देख लेगा। तो ये नहीं नहीं मैंने सोचा भाई अगर ये चलेगा तो ठीक है, वरना कोई नहीं, कल चले जाऊंगा मैं, ले आऊंगा। अब रोड पे आके मिलते हैं आपको। फतेहपुरी हम करने का जा रहे हैं, क्या मकसद है भाई? फतेहपुरी जाने का मकसद यही है कि 7 तारीख को गणपति बप्पा आ रहे हैं, तो उनकी तैयारी के लिए कई सारा सामान है जो अलग अलग बंदों को सौंपा गया है, तो मेरे को पर्दे लाने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो जिम्मेदारी वो सुबह पूरी नहीं हुई थी, बंदों ने बोला तो सुबह बता दियो। तो भाई मैंने बता तो दिया था भाई, मिलते हैं वहाँ पे। तो फिर तो भाई मम्मी भाई वहाँ जाम लग रहा था ना, चलाऊंगा अलग स्टाइल में। इस पार्किंग में लगा दी है स्कूटी, और फालतू मॉल में हमारा वैन चो काम है, पार्किंग भाई फाइव स्टार पार्किंग है। ओमैक्स में घूम रहा है और चोर रहा खड़ा होकर, ओमैक्स नहीं है ओम। ताज बोल, ताज ताज है भाई, ताज में है, ताज में है। बाल देखो ना फिर खराब होगा ये, पता नहीं पानी लगाना पड़ेगा अभी, इसमें लगाता हूँ थोड़ी। फटाफट से फतेहपुरी पहुंचते, चांद चौक पहुँच गया, कोई व्यू व्यू नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है यहाँ पे। मैं जाके बाहर निकलता हूँ, फिर मिलते हैं। व्यू देख सकते हो, सही है मौसम, सही है मौसम कैसा है भाई? मौसम जैन मैंने इमारत दिखाओ भाई, ये लो ये का मॉल है, ऊपर आ रहा पार्किंग गाड़ी लगा के पीछे आ रहा ना, अभी ऐसी निकल रही है ये, और ये कहाँ है कांगे कांगे, इसका चाचा आ रहा पीछे। बीवी के लिए लहंगा लेना हो तो यहाँ जाना। अच्छा, और कहीं नहीं मिलता मार्केट में? नहीं मिले यहाँ, वैन के पैदल चलने की जगह नहीं, रिक्शे वैन छोटे खा लिया दुनिया भर के। तेरी मौसी की तो है सारे? मेरी मौसी की, तेरी मौसी यही तो रहती है बल्ली मराने में। बल्ली मारा, मेरी मौसी पूरा बल्ली मराने दे, छेड़ा खाली कर रहा है कंजर है ना ये, सर कुछ नहीं पता। फतेहपुरी में सामान मिलना है, बहन नहीं छेड़ा गई, नहीं छेड़ा भाई, अब यहाँ मिल जाता तो सही है, वहाँ चल वहाँ ही तो मिलेगा ही, वहाँ तो मिलेगा ही। चुप कर बे कुत्ते,
जब मैंने तो बोला ये मिलेगा ही नहीं तो वो कह रहा भाई मिल जाएगा, महंगी बातचीत होनी सही है। महंगी बातचीत कितनी बहन के हजार 2000 रुपए का दे रहा था चुन्नी बहन गया चल बहुत मादर अपना काम करना आज तो सच्ची बोलता है चल मेरा मेरा 1000 रुपए मीटर पकड़ेगा चुन्नी के भाई। यहाँ पे इतने बंदे नहीं, यहाँ पे इतने रिक्शे हैं बहन छोड़ दे रिक्शा मिलेगा। आप तो आ गया पर्दे वाली मार्केट में, अंदर पर्दे नहीं दिख रहे हैं कहीं, पर्दे कहीं नहीं दिख रहे, पर हम ढूंढेंगे ढूंढ के रहेंगे और हमें चाहिए जरूरत है। अरे हाँ मैं लेके चलता हूँ देख तुझे। ये देखो गंद देखोगे रोड का गंद, ये देखो उसके पापा। नमस्ते अंकल जी। ये देखो जी इसके पापा देख तो कैसा सर पापा, ये को सदर जाना हो यहाँ से सीधे चले जाओ। ये लो ये रहा रास्ता, हम जा रहे हैं यहाँ पे जरा सामान लेते फिर मिलते हैं। गाइस दुकान पे आ चुके हैं, चुन्नी लेते बात बने के देखते मेरा फोन तो कर दिया ग्रुप पे लिख दे तू उसको छोड़ ग्रुप पे भेज दे छोरा बेच के सॉरी। चलो सामान लेते फिर मिलते दिखाते कौन सा लेते कपड़ा। देर बाद जेब कपड़ा पसंद आया भी हमें वीडियो बना सकते ना, तो क्या कहना चाहोगे तुम जो तुम एक मेंबर से बात कर रहे थे क्या चोद रहे थे भाई। मेंबर पे गा रहा है एक बार फोटो दिखा देना मेरे को 12 मीटर पहले ऐसे करके एक बार दिखा देना उसे बंदे को दिखा देंगे फोटो में क्या सही है क्या ठीक है एक बार फोटो दिखा दे। एक कपड़ा तो ले लिया हमने बहुत लद फुट के एक कपड़ा तो लेके आ चुके आगे पीना पानी की प्यास है भाई। पानी की दुकान कहीं से कहीं तक नहीं है दूर दूर तक एक पानी की दुकान देखते हैं कहाँ थी आगे थी आगे अभी। और एक इतना हमारा महान चूतिया बंदा है बंदे को फोन कर रहा हूँ अकाउंटेंट है चूते को फोन ही उठा रहा भाई। इतना बड़ा आदमी चूते बंदा नहीं देखा मैंने भाई सच्ची में बहुत बड़ा चूतिया आदमी बहुत ज्यादा। दुकान में बैठे हैं तो बहन फोन ना उठाए बंदा ऐसा है। चलो पानी देखते पानी पीते गला सूख रहा मेरे से बोला नहीं जा रहा बिल्कुल। एक अभी दुकान पे गए थे जिसकी सबसे पहले गए थे उसी गांव की लड़की बात तो सही है यही बात हुई है। हमने दूसरी दुकान से कपड़ा ले लिया तो उसी दुकान से कपड़ा नहीं लिया तो अब उसने रेट बढ़ा दिए कह रहा ये वाला कपड़ा काट के नहीं दूंगा काटूंगा ये कपड़ा पूरा ले तो पूरा काम ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। पानी की बोतल ले लिया साथ में पानी पीते पीते जाएंगे ये तो रही इससे पूछते फिर मिलते हैं आपको। दुकान पर आए ये कपड़ा लेने हाँ मॉडल है भाई हमारे देख सकते हो नेट वाला कपड़ा ले लिया ठीक है। ये नेट वाला कपड़ा पड़ा हमें 375 रुपये का। अभी लेनी है चद्दर, चद्दर की दुकान सामने ही है अभी चद्दर पे भी रोना होगा ये मिलेगी नहीं तो नहीं तो घूमना पड़ेगा हमें एक और डेढ़ घंटा तो करना। टेक्सटाइल भी नहीं बोलना आता गाइस अबे ये तो अनपढ़ है मुझे बता रहा है मेरा दूसरा काम क्या है इसे ये नहीं पता जैसे वो क्लास देने का आलम ही ओहो तो गाइस अब लेते चद्दर कहाँ अंदर चले जा रहे हैं बंद करो दुकान में घुस जाएंगे भाई किसी की आगे चलना आगे चलो भाई चलो आगे चद्दर की दुकान वहाँ पे घुस कर वहाँ दिखाते हैं आपको चद्दर मिलती है नहीं मिलती कहीं एक चद्दर नहीं मिल रही है हालत ख़राब हो जा रही है। मार्केट के बाहर आ गए भाई हम लास्ट दुकान पर अब कहाँ चलूँ यहाँ कौन सी मार्केट चद्दर की मालिक को बड़े मालिक को लगा छोटे मालिक को छोड़ दे बड़े मालिक को फोन लगाओ छोटे मालिक तो पागल है आओ इसमें देख सकते हो चद्दर आइए दूसरी दुकान पे चद्दर लिए क्या मालिक को फोन कर रहा है बड़ा मालिक को लगा मालिक को भाई अंधेरा हो चुका है जरा हम फ्रॉड से निकल लाइट वाइट में चलते हैं देख के भाई अब जा रहे हैं फ्रॉड से स्कूटी लेने और कुछ चाहिए तो बता दे फ्रॉड से। तो भाई यहाँ पे अब हो चुका है अंधेरा मार्केट बंद हो रही है 7:30 बज चुके पता नहीं यहाँ इतनी जल्दी मार्केट बंद हो रही है तो हम निकल रहे हैं हम यहाँ से फ्रॉड से जहाँ पे स्कूटी खड़ी करी है मॉल पे मेरा मेरा हर्ष गवार दोस्त बुरा लगता है भाई आप दिल से लगता है भाई आप समझ ही सकते हो। और यहाँ से प्रोडक्ट से निकल के हमें निकलना जिम पानी को बोल चर्च पे चलो यहाँ से बस जाम से निकलते बहुत ज़्यादा जाम। ये मुझे कह रहा था कि 7:30 बजे तो जिम छोड़ दूंगा कितना टाइम हो रहा है कल्याण ज्वेलर पे ज्वेलरी तो लेनी है भाई एक तो इतना छूतिया ही है फिर लेफ्ट करवा दिया इससे जब बोल रहा हूँ यहीं से रास्ता भाई नीचे घूम के तू लेके आगे या आगे देख के आते हैं जबरदस्ती घुमा रहा है फालतू में मेरे को जिम के लिए लेट हो रहा है मेरे डोले शोले रह रहा है आज के डोले छोड़ दे मलाई चाप टी शर्ट में मत लगा हाथ मलाई चाप कुछ भी हो
ऐसे से आया मार्केट देख सकते हैं खचरा चप्पल है। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। ये देख सकते हो, ये मॉल में घूम रहा है खचरों की तरह चप्पल में, शर्म नहीं आ रही। चलो अंदर चलो लिफ्ट में। लिफ्ट में लड़की रवानगी हो यहाँ से। तो अब मिला हमें खाली रास्ता, जाम में फंसे पड़े थे। अभी दिखा रहे थे बहन की तेरी। चलो हम मिलते हैं जिम जाके, पलटते वहीं पे सामान लेते हैं, वहीं लौटते हैं घंटे होंगे सारे। जिम में छमी आती है, देखो छमी आ। वाह क्या सीन है। ये देखो ये देखो ये देखो छमी आ।